इस वीडियो में हम पिछले 30 सालों में इंडिया और यूएस में लॉन्च किए गए ऐसे 7,262 आईपीओस के डेटा को एनालाइज करेंगे और एग्जैक्टली पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में आईपीओ इन्वेस्टिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं, और अगर प्रॉफिटेबल है तो किन आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन को अवॉइड कर देना चाहिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और स्पेशली आईपीओ कंपनीज बिल्कुल नहीं चाहती कि ये डेटा, ये एनालिसिस आप तक पहुंचे, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इस टॉपिक पे, आईपीओ के टॉपिक पे, आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करें तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही इन डेप्थ वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओस क्या होते हैं, क्यों आईपीओस लॉन्च किए जाते हैं और आईपीओस की टाइमिंग के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। इमेजिन कीजिए पिछले 10-15 सालों में आपने बहुत मेहनत करके एक मीडियम साइज कंपनी सेटअप की, लेकिन अब आप और ग्रो करना चाहते हैं और ग्रो करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए और कैपिटल दो जगह से अवेलेबल होता है, एक बैंक और एक स्टॉक मार्केट। लेकिन इस बार आप बैंक की जगह स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक से पैसा रेज करते हैं, आपको प्रॉफिट हो या लॉस, आपको बैंक को हर महीने एक फिक्स पेमेंट देनी ही पड़ेगी। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करते हैं तो आप पे ऐसी कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं रहती। अगर लॉस होता है तो सारे शेयर होल्डर्स लॉस भी शेयर करते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो सभी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में भी शेयर मिलता है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि जिस कंपनी को आपने इतनी मेहनत से सेटअप किया है, उसे आप अननोन, लाखों हजारों अननोन इन्वेस्टर्स को क्यों बेचना चाहेंगे? और उसका सिंपल आंसर यह है कि ओनली एंड ओनली व्हेन, सिर्फ जब आपको एकदम श्योर होगा कि जो कंपनी की वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू है आपकी कंपनी की, उससे कहीं ज्यादा प्राइस आपको स्टॉक मार्केट में स्टेक बेच के मिल सकता है, और इसी मोमेंट पे अधिकतर कंपनीज आईपीओ लॉन्च करते हैं। लेकिन एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपकी कंपनी की फेयर वैल्यू से ज्यादा क्यों पे करना चाहेगा, किस कंडीशन में पे करना चाहेगा? क्या 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में अगर आप आईपीओ लॉन्च करते तो आपको प्रीमियम मिल जाता? बिल्कुल भी नहीं। क्या मार्च 2012 में, जहां यूपीए 2 गवर्नमेंट गिरने वाली थी और 6 महीनों से पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर पा रही थी, तब आपको प्रीमियम मिल जाता? बिल्कुल भी नहीं। क्या मार्च 2020 जो लेटेस्ट क्रैश है तब आप आईपीओ लॉन्च करते और आपको कंपनी की फेयर वैल्यू से ज्यादा कोई पे कर देता? वो पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं जहां स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स 3 फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से एक कंपनी को प्रीमियम देने के लिए अग्री हो जाते हैं। पहला, जब स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। दूसरा, जब नए अनट्रेन इन्वेस्टर्स की स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रही हो। और थर्ड, जब आईपीओस की परफॉर्मेंस, रीसेंट आईपीओस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि 2020 के सेकेंड हाफ में और आज जनवरी 2020 में, इस पीरियड में आईपीओस में इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ा है, और अब 2020 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और ज्यादा आईपीओस लॉन्च होने वाले हैं। एक कंपनी के ओनर यानी प्रमोटर्स क्यों आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं, ये तो क्लियर हो गया। कब लॉन्च करना चाहते हैं, मतलब टाइमिंग ऑफ द आईपीओ, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स क्यों एक कंपनी की फेयर वैल्यू से ज्यादा पे करना चाहते हैं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर, का कहना है कि इन्वेस्टिंग का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, बाय करो जब सारे बेच रहे हो और सेल करो जब सारे खरीद रहे हो। लेकिन जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब आईपीओ तभी लॉन्च होता है जब सारे खरीदने को तैयार हो, और जब आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं इसका मतलब आप बाय कर रहे हैं जब सभी बाय कर रहे हैं, और इसीलिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो कॉमन सेंस तो यह कहता है कि शायद से आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। बट जैसा आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो शायद दिखता नहीं है। लेकिन क्या आईपीओस के केस में 7,262 आईपीओस का जो डेटा है उसकी कहानी और कॉमन सेंस जो कहानी बता रहा है, क्या वो सेम है या अलग?
आइए देखते हैं। हम तीन अलग अलग आईपीओ रिसर्च स्टडीज की बात करेंगे इस वीडियो में। पहली दो स्टडीज जो है वो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स द्वारा कंडक्टेड है और थर्ड स्टडी मैंने पर्सनली कंडक्ट की है। आगे बढ़ने से पहले हमें क्लियरली ये समझना होगा कि किसी भी आईपीओ की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हमें आईपीओ के रिटर्न्स देखने होंगे दो टाइम होराइजन पे। पहला टाइम होराइजन है लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन। कई स्टडीज के हिसाब से ये 1 ईयर हो सकता है, कई 3 ईयर्स हो सकता है और कई के लिए इवन 30 ईयर्स भी हो सकता है। और दूसरा टाइम होराइजन है लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस, मतलब जिस दिन एक कंपनी के स्टॉक जो शेयर्स हैं वो एक्चुअली लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे और ट्रेड होने लगते हैं, उस दिन उस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस रिटर्न, वो हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम दोनों ही टाइम होराइजन की बात करने वाले हैं। पहली रिसर्च स्टडी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो डायमेंशनल फंड एडवाइजर्स द्वारा कंडक्ट की गई है। डीएफए एक यूएस बेस्ड फंड एडवाइजरी फर्म है जिसको 39 इयर्स हो गए हैं एग्जिस्टेंस में और इनके टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आर इक्वल टू 570 बिलियन डॉलर्स। अगस्त 2019 में डीएफए ने एक स्टडी रिलीज की जिसमें उन्होंने 1991 से लेकर 2018 के पीरियड के बीच में यूएस में लॉन्च हुए ऐसे 6,362 आईपीओस के डेटा को स्टडी किया। और इस स्टडी ने एकदम क्लियरली ये कंक्लूड किया कि अगर हम आईपीओ कंपनीज का एक इंडेक्स बनाएं और उससे कंपेयर करें रसल 3000 इंडेक्स जो कि टॉप 3000 कंपनीज है यूएस की उसका इंडेक्स है और रसल 2000 जो कि टॉप 2000 कंपनीज का इंडेक्स है, इन दोनों के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो एकदम क्लियर हो जाता है कि रसल 2000 और रसल 3000 इंडिसेस के जो रिटर्न्स हैं वो आईपीओ इंडेक्स के हाइपोथेटिकल आईपीओ इंडेक्स के रिटर्न से कहीं ज्यादा। इस 28 ईयर पीरियड के अंदर जहां पे रसल 2000 और रसल 3000 इंडिसेस के रिटर्न्स 9% प्लस थे, इसी दौरान आईपीओ के हाइपोथेटिकल इंडेक्स का रिटर्न था अराउंड 7%। इसका मतलब अगर आप सिर्फ इन इंडिसेस में इन्वेस्ट करते इंस्टेड ऑफ IPOs इस दौरान तो आपका रिटर्न नियरली 40-50% ज्यादा होता। बाय द वे इस अप्रोच को इंडेक्स इन्वेस्टिंग अप्रोच को इंडिया में मिस्टर वरुण मल्होत्रा ने सिंगल हैंडेडली पॉपुलराइज किया है और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप उनका कोर्स फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। वापस अगर हम डीएफए की स्टडी के रिजल्ट्स की बात करें तो एकदम क्लियर हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में आईपीओज में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। और आपके मन में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्टडी तो यूएस की स्टडी है, इंडिया में ये अप्लाई होगी या नहीं हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि सेम फिनोमेना पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया गया है और मैं खुद पर्सनली एटलीस्ट 21 ऐसी स्टडीज को जानता हूं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर सकता हूं। 21 ऐसी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि लॉन्ग रन में आईपीओस की परफॉर्मेंस दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया जो कि हम नेक्स्ट केस स्टडी में बात करने वाले हैं पुअर रही है। तो अभी तक एकदम क्लियर है कि जो कॉमन सेंस कहता है और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ आईपीओस, इन दोनों की स्टोरी बहुत सिमिलर है। लेकिन केस स्टडी 2 में जहां पे हम शॉर्ट टर्म गेम्स की बात करेंगे, लिस्टिंग डे गेन्स की बात करेंगे, वहां पे कहानी कुछ फ्लिप हो सकती है। आइए बात करते हैं स्टडी नंबर 2 जिसका टाइटल है प्राइसिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ आईपीओज एविडेंस फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। इस स्टडी को 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स द्वारा कैरी आउट किया गया और इस स्टडी में 2001 से 2011 के बीच में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए ऐसे 464 आईपीओस के डेटा को स्टडी किया गया। जहां केस स्टडी नंबर 1 में सिर्फ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात की गई थी, इस स्टडी में हम दोनों शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को दोनों को एनालाइज करेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं आईपीओस की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इवन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स से भी पीछे रह जाती है और ये स्टडी एग्जैक्टली इसी फिनोमेना को कंफर्म करती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। आपके सामने दिए गए ग्राफ में क्लियरली दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ डेज हैं और वाई एक्सिस पे रिटर्न्स दिखाए गए हैं और जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं आईपीओज का एज अ होल एवरेज रिटर्न रिलेटिव टू द इंडेक्स, मतलब इंडेक्स से कंपेयर्ड निफ्टी इंडेक्स, बीएससी 500 इंडेक्स, ऐसे इंडेसेस से कंपेयर्ड आईपीओ का इंडेक्स का जो रिटर्न है वो नेगेटिव है। जहां पे आपको y एक्सिस में -0.2 दिख रहा है इसका मतलब है -20% रिलेटिव टू द इंडेक्स का रिटर्न। और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हां इवन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट आईपीओस की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस
पुअर रही। लेकिन अगर हम लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पे पूरी कहानी फ्लिप हो जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, जिसका सैंपल साइज हम बात कर चुके हैं 464 आईपीओज है, हमें यह पता लगता है कि लिस्टिंग डे रिटर्न, जिस दिन पे ये स्टॉक्स लिस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, पहले दिन में जो रिटर्न जो देखे गए हैं ऑन एवरेज, हर एक आईपीओ के नहीं, ऑन एवरेज जो रिटर्न है वो 28.85% है। और ये फिनोमेना जहां हमें पता लगता है कि लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस, लिस्टिंग डे गेन्स जो है आईपीओस के ऑन एवरेज बहुत सुपीरियर रहे हैं, ये फिनोमेना सिर्फ यही स्टडी वैलिडेट नहीं करती है, बट एटलीस्ट 33 और ऐसी स्टडीज हैं जो मुझे पता है जो इस रिजल्ट को वैलिडेट करती हैं, और इन स्टडीज के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। बट ये पता होना कि लिस्टिंग डे गेन्स जो है, लिस्टिंग डे रिटर्न्स 28.85% है, ये इनफ नहीं है। हमें दो सवालों का आंसर करना होगा। पहला, क्या ये 28.85 रिटर्न जो है, क्या ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा? क्या किसी भी 10 ईयर पीरियड में अगर आप आईपीओस लॉन्च करेंगे तो ऑन एवरेज पर आईपीओ आप 28% कमा पाएंगे? तो इसका आंसर है एकदम नहीं। हमें बिल्कुल नहीं पता ये 28% रहेगा, 8% रहेगा, 15% रहेगा। हमें बस ये पता है कि ऐसा देखा गया है कि रिटर्न्स जनरली पॉजिटिव रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये 28.85% या जो भी रिटर्न होगा लिस्टिंग डे पे, क्या इस रिटर्न को हम एक्चुअली प्रैक्टिकली अर्न कर सकते हैं या नहीं? और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैंने अपनी एक पर्सनल स्टडी कंडक्ट की है। स्टडी नंबर 3 में हमने 2007 से लेकर 2020 इस 13 ईयर पीरियड में इंडिया में लॉन्च हुए हर एक मेन लाइन आईपीओ के डेटा को स्टडी किया है, और ये टोटल नंबर 450 आईपीओज का है। अगर हम इस स्टडी को समराइज करें तो हम इन तीन नंबर्स को देख के समराइज कर सकते हैं। पहला है कि नंबर ऑफ आईपीओस 450 आईपीओस है। सेकंड है एवरेज रिटेल ओवर सब्सक्रिप्शन, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको और आगे समझने वाले हैं। 8.75 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किए गए ये आईपीओस ऑन एवरेज, हर एक नहीं, ऑन एवरेज। और तीसरा है एवरेज लिस्टिंग डे गेन्स, इसका मतलब 18.53% यहां पे दिखता है, मतलब पहले दिन पे ऑन एवरेज इन आईपीओस ने 18.5% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब हम कंफर्म कर सकते हैं कि जैसे केस स्टडी नंबर 2 में लिस्टिंग गेन्स सुपीरियर थे, इस स्टडी में भी लिस्टिंग डे रिटर्न्स जो है काफी सुपीरियर है। लेकिन केस स्टडी नंबर 2 में जहां रिटर्न्स 28.85% थे, पिछले 13 साल में 2007 से लेकर 2020 के बीच में आईपीओज ने एवरेज में 18.5% का रिटर्न दिया है। ऑन द सर्फेस ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज लगती है कि ऑन एवरेज अगर हम हर एक 450 आईपीओज में इन्वेस्ट करते पिछले 13 साल में, तो पर आईपीओ हमारा रिटर्न 18.53% रहता। बट असली सवाल ये है कि क्या हम इस रिटर्न को प्रैक्टिकली, थियोरी में नहीं, प्रैक्टिकली क्या हम इसे अर्न कर पाते, असली सवाल वो है। और इस सवाल को आंसर करने के लिए हमें एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या हम हर एक आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? और उसको समझने के लिए हमें समझना होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट, और कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में शेयर्स अलॉट किए जाते हैं आईपीओज में। नॉर्मली जैसा आप जानते होंगे 35% ऑफ द टोटल शेयर जो कि सेल में होते हैं आईपीओज में, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। और सेबी के रूल्स ये कहते हैं कि आप 2 लाख से ज्यादा पर आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आप हाई नेटवर्थ कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कॉम्पिटिशन और ज्यादा होता है, और रिजर्व्ड शेयर्स 35% की बजाय सिर्फ 15% रह जाते हैं। और पॉपुलर आईपीओज में जैसा कि आप जानते हैं डिमांड ऑफ शेयर्स काफी ज्यादा होती है नेचुरली, क्योंकि ये पॉपुलर है, हर एक मीडिया चैनल, हर एक यूट्यूब चैनल इन आईपीओज की बात कर रहा होता है, तो नेचुरली डिमांड फॉर शेयर्स इज मच हायर देन द सप्लाई, जिसका मतलब कभी कभी आईपीओज जो है ये पॉपुलर आईपीओज ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। इसका मतलब कि शेयर्स जो सेल के लिए थे वो 1 लाख रुपए थे फॉर एग्जांपल, और जो बिड्स आई, इन्वेस्टर्स जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ बिड्स से 5 लाख के लिए आई, 10 लाख के लिए, 20 लाख के लिए आई। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में किस बेसिस पे ये अलॉटमेंट होती है, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किन इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिलेंगे, किन को नहीं मिलेंगे, क्या सबको मिलते हैं, वो कैसे डिसाइड होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसको समझने के लिए हमें बर्गर
बर्गर किंग के एग्जाम्पल को देखना चाहिए। बर्गर किंग के केस में जो शेयर्स रिजर्व्ड थे रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए, उसका नंबर 1.35 करोड़ शेयर्स थे जो रिजर्व्ड थे। अब इसमें ऑफर प्राइस जो था वो 60 रुपीज था, मतलब इस प्राइस पे आप अप्लाई कर सकते थे आईपीओ में, और जो मिनिमम लॉट साइज था, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको खरीदने ही पड़ेंगे अगर आप अप्लाई करते हैं, वो 250 था। इसका मतलब आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर आप अप्लाई करते बर्गर किंग जैसे आईपीओ में, तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज रहती। अब इस केस में जहां 1.35 करोड़ शेयर्स अवेलेबल थे रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स ने 88.4 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। इसका मतलब बर्गर किंग का जो आईपीओ था वो रिटेल कैटेगरी में नियरली 68 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। और जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थे, मतलब टोटल इन्वेस्टर्स जिन्होंने अप्लाई किया बर्गर किंग के आईपीओ के लिए रिटेल कैटेगरी में, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थे 20.85 लाख। और इन 20.85 एप्लीकेशंस में से, इन 20.85 इन्वेस्टर्स में से कितने इन्वेस्टर्स को अलॉट हुए आईपीओ के, बर्गर किंग के आईपीओ के शेयर्स, ये समझ लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, जैसा आपको पता है 1.35 करोड़ जो है वो शेयर्स रिजर्व थे रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए। एट द सेम टाइम 250 शेयर्स मिनिमम हर एक इन्वेस्टर्स को खरीदने ही पड़ेंगे अगर अलॉट होते हैं। इसका मतलब अगर हम 1.35 को डिवाइड करें 250 से, तो हमको पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये नंबर सिर्फ 54,000 है। इसका मतलब जहां टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 20.85 लाख था, इतने इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया था, सिर्फ और सिर्फ 54,000 इन्वेस्टर्स को बर्गर किंग के आईपीओ के शेयर्स एक्चुअली अलॉट हुए। और ये 54,000 इन्वेस्टर्स कौन से इन्वेस्टर्स हैं, किन को देना चाहिए किन को नहीं देना चाहिए, सेबी के रूल्स ये कहते हैं कि ये लॉटरी बेसिस पे अलॉट होते हैं। इसका मतलब हर एक आईपीओ में इन्वेस्ट करना सिंपली इम्पॉसिबल है। और इसका मतलब ये जो लिस्टिंग डे गेन्स जो हमको बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं कि पहले दिन पे 18%, 28%, ये रिटर्न्स प्रैक्टिकली अर्न करना सिंपली पॉसिबल नहीं है। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि नहीं नहीं, हम हर एक आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ वही बहुत अच्छे आईपीओस, जो भी डेफिनेशन है अच्छे की, बहुत अच्छे आईपीओस के लिए ही अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे हमने देखा है कि जो भी पॉपुलर आईपीओस होते हैं वो नेचुरली ओवर सब्सक्राइब होते ही होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो बिजनेसेस शायद से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं फ्यूचर में। और जैसे हमने देखा 0.25% अलॉटमेंट हुई, 20 लाख इन्वेस्टर्स में से 20.85 लाख इन्वेस्टर्स में से 54,000 इन्वेस्टर्स को एक्चुअली अलॉटमेंट हुई। फ्रेंकली स्पीकिंग दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप शायद से आईपीओ में इन्वेस्ट करने की बजाय अगर आप कैसीनो जाएंगे तो आपके ऑड्स ऑफ विनिंग एक्चुअली बेटर हैं। तो दोस्तों, फैक्ट्स आपके सामने हैं। 7,262 आईपीओस को एनालाइज करने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ आईपीओस ऑन एवरेज, हर एक आईपीओ के नहीं, हर एक कंपनी का नहीं, ऑन एवरेज इज पुअर देन द स्टॉक मार्केट इंडेक्स। और ये फिनोमेना सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ यूएस में नहीं, बट पूरे वर्ल्ड में आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि रिलायंस जैसी कंपनी, इंफोसिस जैसी कंपनी, आईटीसी जैसी कंपनी, ये सारी सुपीरियर ब्लू चिप अमेजिंग कंपनीज हैं, ये भी तो कभी ना कभी आईपीओ के फॉर्म में आई होंगी, तो इन्होंने तो मार्केट को आउट परफॉर्म कर दिया, तो इसका क्या आंसर है? अगर आप ये समझना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें, ताकि मैं एक और वीडियो बना सकूं इस कंसर्न को आंसर करने के लिए। और दूसरा, हमने बात की कि शॉर्ट टर्म गेन, जो लिस्टिंग डे गेन्स है, एक दिन का जो पहले डे का जो गेन है, वो काफी सुपीरियर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ यूएस में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड। और ऐसी एटलीस्ट 33 स्टडीज हैं जो इस फिनोमेना को प्रूव करती हैं। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ तभी काम करेगी जब आप हर एक आईपीओ में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो कि सिंपली पॉसिबल नहीं है। और लास्टली, हम ये भी समझ लेते हैं कि वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर जो माने जाते हैं, उनका आईपीओ के टॉपिक पे क्या कहना। उनका एक कोट है जो कहता है, यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इन्वेस्टिंग इन आईपीओस, पीपल विन लॉटरीज एवरी डे, लोग लॉटरीज जीतते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने टाइम, एनर्जी और एफर्ट उस जगह लगाना चाहिए। मेरे लिए इस पूरे एनालिसिस का सबसे सरप्राइजिंग
एलिमेंट ये नहीं है कि आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट ये है कि क्यों पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, पूरे YouTube पे जो इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, पूरी मीडिया आपको क्यों बताते जा रही है कि इतने IPOs आ रहे हैं, इस IPO में इन्वेस्ट कर दो, उस IPO में इन्वेस्ट कर दो, क्यों ये सारे लोग ये आपको बताते जा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। बट anyway, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे तीन चीजों की रिक्वेस्ट करूंगा। पहला, मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करते करते बेल आइकन पे जरूर दबाएं। दूसरा, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने WhatsApp ग्रुप्स में, अपने Telegram ग्रुप्स में, ताकि और इन्वेस्टर्स इस नॉलेज का फायदा उठा पाएं। और तीसरा, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्यों आपको अभी तक लगता था कि IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मेरे से कोई गलती हो गई है? शायद से कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा एनालिसिस है, ऐसी रीजनिंग है जो शायद मैंने मिस आउट कर दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पॉइंट आउट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर मेरे से कोई गलती है। और फाइनली, कोई भी और टॉपिक जिस पे आपको लगता है मैं वीडियो बना सकता हूं, आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो टॉपिक, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।